पॉलिटिकल साइंस की अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ भी आ रही होगी। क्या वाकई आप लोगों को समझ आ रही है पॉलिटिकल साइंस की या नहीं? अच्छा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं खुश फहमी का शिकार रहूं। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाना चाहिए, ऐसा मेरा मेरी ख्वाहिश है। आई डोंट नो मैं सही कह रहा हूँ या गलत। तो आज आप लोगों को जो है आज जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में पार्ट डी हम पढ़ेंगे, जो इस वक्त आप लोगों को माशाल्लाह अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है। और स्टूडेंट्स, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो है आपका यही लेक्चर जो होता है ये फेसबुक एरिड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी एट द सेम टाइम जो है वो टेलीकास्ट होता है, सो दैट कि अगर आपको दोबारा वो पढ़ना हो, उस लेक्चर को देखना हो, तो वो वहाँ पे अवेलेबल है। ये सारी चीज़ मुझे यकीन है कि आपको जो है वो मालूम होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी सोशलिज्म, और सोशलिज्म को हम जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। इस वक्त स्लाइड नंबर 5 के ऊपर मैं हूँ, आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है, एक फ्लैग नज़र आ रहा है जो सोशलिज्म की पिक्चर आपको जो है वो शो करेगा। वो कॉल आ रही है अभी। तो स्टूडेंट्स, ये इस वक्त मैं स्लाइड नंबर 5 पे हूँ, आप एक फ्लैग देख रहे होंगे, एक सिंबल है जी। तो ये अगर आप फ्लैग की तरफ, हाँ ये वापस आ जाएं, तो पहली चीज़ ये देख लें कि इसके अंदर जो रेड कलर है इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। रेड कलर आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर रेड कलर से मुराद रेवोल्यूशन है। और आप देख रहे हैं कि जो वर्कर है, ये जिस शख्स के हाथ में ये फ्लैग है वो एक इंडस्ट्रियल वर्कर के तौर पर नज़र आ रहा है। और अगर आप फ्लैग को देखेंगे तो आपको पीछे जो है कुछ काम करने वाले औजार नज़र आ रहे हैं, जैसे ये हैमर है या की नज़र आ रही है आपको। तो ये बुनियादी तौर पे सिंबल है, यानी कि वो तमाम लोग जो कि इंडस्ट्रियल लेबर है वो, और जो है जो तब्दीली लेकर आएंगे वो सोशलिज्म के ज़रिए जो है वो लेकर आएंगे। आगे चलते हैं जी हम। सोशलिज्म है क्या, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। तो इट इज़ अ वेरी रिनाउंड एंड वेरी इंटरेस्टिंग थेरी दैट एडवोकेट्स अ स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। कहने का मतलब क्या है कि जो लिबरलिज्म है थेरी, उसके अंदर स्टेट का रोल बहुत महदूद है, लेकिन यहाँ पे स्टेट का जो रोल है वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड सोशलिज्म जो थेरी है वो देखती है। तमाम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी लिबरलिज्म में और कैपिटलिज्म में और डेमोक्रेसी में, ये तीनों सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो प्राइवेटाइज्ड है, जबकि सोशलिज्म में स्टेट ओनरशिप है, यानी इंडस्ट्री की जो ओनरशिप है, मलकियत होगी वो स्टेट की होगी। सिमिलरली द सेकेंड पॉइंट, सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन स्टेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल। अच्छा, अब दो चीजें हो गई, एक तो ये कि जो सरमाया है जिससे आप नए काम करते हैं, जिससे आप नए लेट से जो इंडस्ट्रीज जो है वो खोलते हैं, नए पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स खोलते हैं, तो उसके लिए सरमाया चाहिए होता। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट सोसाइटीज के अंदर सरमाया भी प्राइवेट होता है, इंडस्ट्री भी प्राइवेट होती है, लेकिन सोशलिज्म कह रहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्री भी स्टेट की होगी और सरमाए का ताल्लुक भी स्टेट के साथ होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द वर्ड सोशलिज्म वाज बेसिकली कॉइंड इन द अर्ली 1800s एंड इट इज रेफर्ड टू एन आइडियोलॉजी आर्ग्यूइंग दैट सिटीजन्स आर बेस्ट सर्व्ड बाय पॉलिसीज फोकस्ड ऑन मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द एंटायर सोसाइटी
rather than on serving the needs of individuals as individuals. And from its inception, socialism has been critical of competing ideologies such as classical liberalism that rank individualism above the common good in terms of political priorities. Okay, next slide. Here is a person, a very well-known philosopher, very influential philosopher, and this name, Henry D. Saint Simon. This man, agar aap philosophy of anthropology padhte hain, philosophy itself padhte hain, philosophy of positive research padhte hain, scientific revolution padhte hain, ya philosophy of sociology padhte hain, to ye Saint साइमन का जो नाम है ये आपको इन तमाम जगहों पे जो है वो मिलेगा. इसी तरह दूसरा नाम है रॉबर्ट ओवन और तीसरा नाम है चार्ल्स फ्रायर. ये जब हम सोशलिज्म की बात करेंगे तो इन तीन बड़े स्कॉलर्स जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन आज हम कोशिश करेंगे कि उसको क्रिस्पी तौर पे हम उसे पढ़ें. So these three were the Saint Simon and Robert Owen and Charles Fourier. They were the early socialists. And these early socialists, they taught the competitive individualistic societies, or unka ye khayal hai ki the individualist societies destroyed the possibility of a collective harmony. Zara saada taur pe ye samjhe ki jis bhi muashre mein har insaan apne fayde aur nuksan se gharz jo hai apne aur zati mafadat se jab wo mutalliq ho jaye ya insaan ka jo interest hai wo uski zati mafad jo hai wo ban jaye to phir us muashre mein collectivism ijtimaiyat wo mumkin nahi ho sakti. तो ये जो तीन स्कॉलर्स मैंने आपको बताया, रॉबर्ट ओवन की बात की एंड चार्ल्स फ्रायर की बात की. चार्ल्स फ्रायर एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर है और सेंट साइमन है. तो ये बुनियादी तौर पे कलेक्टिविज्म जो है उसको प्रचार करते थे और इन्होंने जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ की स्टडी के बाद जो इनकी फाइंडिंग्स थी और लेसन्स लर्न थे उसके अंदर इन्होंने शेयर किया कि इससे जो इनफरादियत है वो जब डिवेलप होती है, हर इंसान अपना सोचता है, तो उस माशरे में कलेक्टिव गुड जो है उसका तसव्वुर जो है वो फौत हो जाता है. सिमिलरली इंडिविजुअल्स आर केपेबल ऑफ लिविंग कोऑपरेटिवली, दे इंसिस्टेड एंड द सोशलिस्ट सोसाइटी वुड प्रूव इट. अच्छा, ये एक और स्टेप आगे है. इन तीनों फिलोसफर्स का कहना है कि ये हम इंसानों पे डिपेंड करता है कि हम इंफरादी जिंदगी गुजारें या हम इज्तमाई जिंदगी गुजारें. ऐसा नहीं है मुमकिन कि एक इंसान के अंदर नेचर ये है कि वो एक इंडिविजुअल जिंदगी गुजारेगा या वो सिर्फ वो ही जिंदगी गुजारता है. रादर होता क्या है, होता ये है कि इंसान को जिस किस्म के माहौल में आप ट्रेन करेंगे वही ट्रेट्स जो हैं वो एडॉप्ट कर लेता है. तो यहाँ हमें समझ में आई कि इन तीनों स्कॉलर्स का ये कहना है कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो आपस में मिलजुल कर रहे. और इनका ख्याल है कि अगर सोशलिस्ट मुआशरा कायम हो जाए तो ये बात बड़े अच्छे तरीके से साबित भी हो सकती है. अच्छा जी, ये आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे होंगे, हेनरी डी सेंट साइमन का एक खूबसूरत पोर्ट्रेट है जो कि आप देख रहे हैं. एटलीस्ट ताकि आप लोगों को ये मालूम हो कि जिन स्कॉलर्स को हम पढ़ रहे हैं वो दिखने में कैसे हैं. इससे आगे हम ज़रा सेंट साइमन का थोड़ा सा काम पढ़ लें. इसकी सिर्फ एक ही स्लाइड है ताकि जो है मैं आपको मज़ीद फ़िलोसफ़ी की ना ख़त्म होने वाली बहस में नहीं शामिल करना चाहता, आपका वक्त उसमें ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन एक फ्लेवर दे रहा हूँ और यकीन है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा जो है इसमें पसंद आएगा उनको. ओके, सेंट साइमन एनविजन्ड socialism as a large complex social system in which scientific planners would coordinate economic activity to ensure that goods were produced in exactly the proper quantity
and distribute it evenly throughout the society so that neither waste nor shortages occurred. तो अगर आपको ये स्लाइड समझ में आ गई है तो आप समझ लें कि आपको सेंट साइमन का जो सोशलिज्म का जो नुक्ता है वो आपको पूरे का पूरा समझ में आ जाएगा। मैं इसको तो ऐसा ऐसा थोड़ी सी तशरीह करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा आसान हो जाए समझना और इस इंटरेस्ट डेवलप करना। पहली चीज़, जो साइंटिफिक प्लानर्स हैं, तो ये कौन से कोई साइंसदान होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये जो साइंटिफिक प्लानर्स से मुराद ये है कि जो सोशलिज्म है वो एक कॉज एंड इफेक्ट के तहत इवॉल्व किया हुआ सिस्टम है जो कि इसलिए डेवलप हुआ है क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने जो इंसानियत को उरूज पे पहुंचाना था, यानी इंसान ने जो उरूज पे पहुंचाना था वो वादा पूरा नहीं हुआ। कैपिटलिज्म की वजह से हर इंसान में इंडिविजुअल वैल्यूज डेवलप हो गई। तो साइंटिफिक प्लानर से मुराद ये है कि जो सोशलिस्ट प्लानर्स हैं, जो सोशलिज्म के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि आप ज़हन में रखें कि इंडस्ट्री किसकी है? स्टेट की है। सरमाया किसका है? स्टेट का है। तो सरमाए को चलाने, इन्वेस्ट करने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए जो स्टेट होगी वो क्या करेगी? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आपको और मुझे जॉब्स मिलते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरीके से बनाई जाएगी कि उस प्रोसेस के अंदर जितने भी कंज्यूमेबल गुड्स बनेंगे वो गुड्स इतनी मकदार में बने कि ना वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हों ना वो ज़रूरत से कम हों। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा होंगे तो इकोनॉमिक जो 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 प्राइसेस होंगे वो नीचे आएंगे, जिसका लामहाला एट अ मैक्रो लेवल क्या होगा कि सोसाइटी जो है वो उससे खातिर खा फ़ायदा नहीं उठा सकेगी। और अगर वो जो है ज़रूरत से कम प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर क्या होगा? फूड शॉर्टेजेस होंगी, महंगाई बढ़ेगी, और ख़ास तौर पे जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जनाब, ये स्लाइड नंबर 11 आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। रॉबर्ट ओवन, बॉर्न इन 1771 एंड डाइड इन 1859, उनका एक पोर्ट्रेट आपको नज़र आ रहा है। तो जो है अब हम स्लाइड नंबर 12 की तरफ जाते हैं ताकि हम ये देख सकें कि रॉबर्ट ओवन ने जो है उन्होंने कैसे हमें समझाया है। सो रॉबर्ट ओवन बेसिकली सपोर्टेड द फ्री मार्केट। अच्छा, यहाँ पे जो लिबरलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं और रॉबर्ट ओवन, ये सेम बात कर रहे हैं। अच्छा, बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही जो है बाईस इज्जत जो फिलोसोफर हैं एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो हैं वो बुनियादी तौर पे फ्री मार्केट का तस्वर उन्होंने दिया था जॉन लॉक की थ्योरी से इंस्पायर होकर। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं उनको जब आप उनकी लाइफ पढ़ेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने फ्री मार्केट को इतना रीजनेबली और इतना लॉजिकली प्रूव किया है। ये अलग बात है कि लॉजिक अपनी जगह पे, लेकिन उसी लॉजिक को मिसयूज करके इकोनॉमिक क्लासेस बनी और वो इतनी गहरी बनी कि माशरे के अंदर आज आपको गरीब एक दूसरी दुनिया में नजर आता है और अमीर एक दूसरी दुनिया में नजर आता है। ऐसा ख्वाब जो है वो लिबरल्स ने नहीं देखा था। और आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि एडम स्मिथ हैं और जॉन लॉक दोनों ही क्लासिकल लिबरल्स थे। तो क्लासिकल लिबरल्स का इंसानियत के बारे में जो रवैया है या सोच है वो बहुत पॉजिटिव है। दे थिंक सो मच, दे थिंक वेरी हाई ऑफ द पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी। दे ट्रीट देम एज वेरी वाइज पीपल जो कि अपना फ़ायदा तो सोचेगा लेकिन किसी का नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि आज की जो मॉडर्न कैपिटलाइजेशन कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है वहाँ पे एक फ़ायदा तो वो है कि जो आपने खुद से हासिल किया, और एक वो फ़ायदा है जिसमें आप किसी और को, अपने कंपटीशन को अगर आप रूट आउट कर देते हैं तो वो फ़ायदा भी आप ही की तरफ आता है। तो बहरहाल एक थ्योरी के रिजल्ट, उसकी आड़ में कुछ गलत हुआ तो इसमें थ्योरी के जो मेन फिलोसफर्स हैं उनका कसूर नहीं होता। सो रॉबर्ट ओवन सपोर्टेड द फ्री मार्केट सिस्टम इन मैनी रिस्पेक्ट्स।
although he advocated the establishment of state schools and supported the idea, radical, जो जिस idea की वो बात कर रहा है, state schools हों, यानी तमाम लोग एक तरह से पढ़ें और एक तरह का syllabus पढ़ें और एक तरह से train हों, और जो है जो ये जो आइडिया है ये बुनियादी तौर पे, ये उस वक्त के जिस वक्त रॉबर्ट ओवन मौजूद थे, यूरोपियन सोसाइटी इसके लिए तैयार नहीं थी। उस पर जो बेसिक जो फ़र्क था वो ये था कि एक तरफ मिशनरी स्कूल्स हैं, एक्लिसियास्टिकल क्लर्जी मौजूद है जो कि दुनिया को एक नए ढंग से देखती है, कुछ बिल्कुल ही जो है बेदीन किस्म की साइंसेज उस वक्त के मजहबी लोगों के नज़दीक साइंस पढ़ना बेदीनी थी, तो वहाँ पे। लेकिन आप सोशलिज्म तो कह रहे हैं कि जी दीनी स्कूल भी ख़त्म करते हैं और सेकुलर स्कूल भी ख़त्म करते हैं, बल्कि स्टेट एजुकेशन सिस्टम को अपने इख्तियार में लेके एक यूनिफॉर्म सिलेबस बनाते। तो उस ज़माने में यूरोप के लोगों ने जब ये आइडिया सुना तो वो तो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थे इस बात को सोच के कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन बहरहाल आप देख कहना चाहिए आई डोंट नो, लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है वो इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करता है कि सेम स्टेट सिस्टम हो। अब कहा नहीं जा सकता, इस चीज़ को कहना बहुत मुश्किल है कि क्या जो है यूनिफॉर्म सिलेबस फ़ायदे की चीज़ है या फ़ायदे की चीज़ नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अपने इसके ऊपर एतराज़ात हैं, लेकिन सोशलिस्ट वर्ल्ड जो है वो इसके बहुत सारे फ़ायदे जानती है। ओके, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट स्कूल्स विच वॉज वेरी रेडिकल इन दोज डेज, उसका ख्याल है रॉबर्ट ओवन का कि द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12 शुड नॉट बी परमिटेड टू वर्क अ फुल डे। अच्छा, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ के अंदर चाइल्ड लेबर जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में एक बहुत बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट है बच्चों, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं, सिर्फ मेरी बातों से आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड बच्चों का काम करना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो निगोशिएट नहीं करते, वो इंटिमिडेट हो सकते हैं, वो कम मुआवजे के ऊपर भी काम कर लेते हैं। जबकि एक ग्रोन अप आदमी होगा या औरत होगी या मर्द होगा तो वो अपने हकूक से आगाह होगा और वो उसके लिए जिदोजहद भी करेगा, प्रोटेस्ट भी करेगा। तो रॉबर्ट ओवन ने उस वक्त के माशरे के अंदर इस बात को जो है एक नारा बनाया कि बच्चों को जो 12 साल से नीचे हैं उनको पूरा दिन जो फुल टाइम यानी 8 घंटे का, और उस ज़माने का कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी थी उसमें जो वर्किंग डे होता था वो 13 घंटों का होता था, तो उसने इस चीज़ का इनकार किया। Why? Although one does not have to be a socialist to agree wholeheartedly with these reforms, but they do embody the essence of socialism. The force of the public interest must be brought to bear as a restraint on the forces of the private interest. अच्छा, ये इतनी अच्छी बात है, इसको मानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं इस बात को मान लूँ तो मैं सोशलिस्ट बन जाऊँगा। असल में क्योंकि इस कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इनके साथ सारी अदर डिबेट्स भी इन जो है वो इंक्लूडेड हैं, तो जो मोहतात लोग होते हैं वो इस बात पे हमेशा एहतियात करते हैं कि हम मुझे सोशलिस्ट ना कह दिया जाए या मुझे कैपिटलिस्ट ना कह दिया जाए, तो क्योंकि इसके साथ एक बहुत बड़ी बड़ी बहसें जुड़ी हुई हैं यूरोपियन जो क्या कहना चाहिए जो कॉलोनियलिज्म था और यूरोपियन इंपीरियलिज्म और फिर कोल्ड वॉर और ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इसमें लोग इन टर्म्स के साथ एसोसिएशन करते हुए थोड़ा सा एहतियात का मुजाहरा करते हैं।